नमस्कार, आज मैं बात करूंगा कोलगेट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में और इसके जो है क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या हार्म्स हैं। सबसे पहला है सोडियम फ्लोराइड। ये टॉक्सिक है और कार्सिनोजेन है और जो आईक्यू लेवल है उसको जो है कम करता है, रिड्यूस करता है। दूसरा जो इसमें इंग्रेडिएंट है दैट इज ट्राइक्लोजन दैट किल्स द बैक्टीरिया एंड इट आल्सो इन्फ्लुएंस द हार्मोन, थायराइड हार्मोन। एंड द थर्ड वन इज हाइड्रेटेड सिलिका एंड फोर्थ वन इज ग्लिसरीन। दीज आर आल्सो हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। सोर्बिटोल, दिस इज आर्टिफिशियल स्वीटनर, अर्थात ये जो है आर्टिफिशियल जो है मिठास है एक किस्म से, 100% जो है ये केमिकल है। PVMMA कोपोलाइमर एंड सेवेंथ वन इज सोडियम लॉरेंज सल्फेट। इट प्रोवाइड्स द टेक्सचर लाइक एंड दिस इज आल्सो कार्सिनोजन। कार्सिनोजन का मतलब होता है जो वो प्रोडक्ट्स, वो केमिकल्स जो कैंसर को पैदा करने की क्षमता रखते हैं। अलग से इसमें फ्लेवर डाला जाता है, जो फ्लेवर आपके मुंह में आता है वो एक अलग से फ्लेवर है। एंड नाइन्थ वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अगर आप निगल लेते हैं, अगर स्वलो कर लेते हैं तो ये जो है आपको काफ़ी नुकसान दे सकता है। बेसिकली एक पीएच लेवल को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है इसे इसमें मिलाया जाता है। एंड द सेल्युलोज गम एंड इलेवेंथ वन इज प्रोपिलेन ग्लाइकोल। इट इज़ अ टॉक्सिक मटेरियल। सोडियम सैकरिन, इट इज़ 300 टाइम्स स्वीटर देन शुगर, मतलब कि ये चीनी से 300 गुना मीठा होता है सोडियम सैकरिन। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये जो है इसको वाइट कलर देता है। PEG-12 सिलिकॉन बेस्ड पॉलीमर, ठीक है, टेक्सचर में मदद करता है, ये भी टेक्सचर देने का काम करता है। टेट्रा सोडियम पाइरोफॉस्फेट, इट इज़ लाइक अ टार्टर, इट इज़ टार्टर कंट्रोल एजेंट, ठीक है, टार्टर को कंट्रोल करता है। कोकामाइडो प्रोपिल बिटेन, ये बेसिकली कोकोनट ऑयल है और ये जो है फॉर्म बनाने के काम आता है। ये जो फॉर्म बनता है ना मुँह में आपके, तो ये जो है इसमें मदद करता है। लैक्टोज मोनोहाइड्रेट, इट इज़ अ मिल्क, ठीक है, मिल्क का जो शुगर है वो इसमें डाला जाता है सो देट थोड़ा ये जो मिठास आती है आपकी, ठीक है, इसकी वजह से आती है। बाकी मैंने एक चीज़ आपको और बताया, विच इज 300 टाइम्स स्वीटर देन द चीनी से 300 गुना जो है मीठा होता है वो। सो FD इट इज़ आर्टिफिशियल कलरिंग, ठीक है, कई कंट्रीज़ में ये बैन है लेकिन फिर भी ये लोग डाल रहे हैं और ये बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन करता है। तो ये इतने सारे इंग्रेडिएंट्स मुझे समझ नहीं आता कि आखिर कोलगेट को डालने की आवश्यकता पड़ती क्यों है। देखिए, बेसिकली एक चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरी डालनी पड़ती है और अगेन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तीसरी चीज़ डालनी पड़ती है, तो इसलिए मिला जुला के 18 से 20 तरह के केमिकल्स उसमें डालने पड़ते हैं सो दैट सभी को एक दूसरे के साथ बैलेंस किया जा सके। तो इस तरह से मिला जुला के काफ़ी सारे जो है इसमें केमिकल्स जो है इनको डालने पड़ते हैं। देखिए जी, आज से 100 साल बैक जाएं तो हम लोग जो है नेचुरल चीज़ें ही इस्तेमाल करते थे, तो क्या उस समय हमारे दांत ख़राब हो जाते थे, क्या ऐसा होता था? नहीं, ऐसा नहीं होता था। आज के लोग जो है कोलगेट कर रहे हैं, रदर कोलगेट क्या आप सीधे कह सकते हैं कि 15-20 तरह के जो है केमिकल अपने जो है मुंह में सवेरे उठ के डाल रहे हैं। नेचुरल रहें और नेचुरल चीज़ें यूज करें, प्राकृतिक चीज़ें यूज करें। आई होप आज की वीडियो से मैं आपको कुछ ना कुछ जो है सिखा पाया हूँ। इस वीडियो को जो है ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।